आगे बढ़ेंगे खबर टीकमगढ़ से, जहां जिला पंचायत की बैठक में टीकमगढ़ और जतारा विधायक नाराज हो गए। बैठक का कांग्रेस विधायकों ने विरोध किया है। दरअसल कुर्सी नहीं मिलने पर टीकमगढ़ और जतारा विधायक नाराज नजर आए और बैठक छोड़कर कांग्रेस के विधायक चले। विधायक ने बेइज्जती करने का आरोप भी लगाया है और कहा है कि वो विधानसभा में इस मुद्दे को उठाएंगे। राजीव रावत न्यूज 18 संवाददाता टीकमगढ़ से हमारे साथ जुड़ गए हैं। राजीव, आखिर अगर विधायक वहां पहुंचे थे तो वाकई उनके बैठने की व्यवस्था भी नहीं की गई, तो भारी लापरवाही है या अव्यवस्था कहें इसे हम? देखिए, ये बिल्कुल अव्यवस्था का सवाल है, क्योंकि विधायक को बैठक में बुलाया गया था, आमंत्रित किया गया था, जिसके बाद विधायक थोड़ा 15 मिनट लेट पहुंचे, जिसके बाद जो विधायक हैं तो काफी देर तक खड़े रहे, लेकिन उनको बैठने के इंतजाम नहीं दिए। जिसको लेकर विधायक हैं जो कांग्रेस विधायक यादवंत सिंह मुंदेला हैं और जतारा की कांग्रेस विधायक चंदा रानी गौर हैं, वो भड़क गई और बैठक का बहिष्कार कर दिया, और जिसको लेकर जब वहां पे तूतू में भी हो गई और जिला पंचायत अध्यक्ष के साथ में चंदा रानी गौर की, तो जिसके बाद विधायकों ने वहां से वॉकआउट कर लिया। और इसके बाद विधायकों का साफ आरोप है कि इस तरह की लगातार बेइज्जती की जाती है, बैठक में बुलाया जाता है जिसके बाद कुर्सियां नहीं दी जाती हैं और वहां पे खड़े रहना पड़ता है। इस मामले को लेकर अब विधानसभा में कहने की बात कह रहे हैं यादवंत सिंह मुंदेला। बिल्कुल बिल्कुल, चलिए तो बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। तो विधायक नाराज हो गए और ये भी कह रहे हैं कि जो व्यवस्थाएं अव्यवस्थाएं हैं पंचायत जिला पंचायत में, उसको वो विधानसभा में उठाएंगे। तस्वीरें देख सकते हैं आप, पंचायत जिला पंचायत भवन में पहुंचे थे विधायक, लेकिन उन्हें सीट नहीं मिली और इससे नाराज होकर वो वहां से चले गए। और अब बात करेंगे धार की, जहां एक कपड़े की दुकान में चोरी के दौरान चोर खुश होकर नाचने लगा। चोर के डांस करने की तस्वीरें वायरल हो रही हैं। ऐसा लग रहा है कि मानो चोर की लॉटरी लग गई हो और वो खुश होकर नाच रहा हो। पूरे मामले में कपड़ा दुकानदार की शिकायत पर मनावर थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और अब वो चोर की तलाश में जुट गई है। तो धार में ये तस्वीर सामने आई है जहां चोर शॉप में घुसते हैं और ये देखिए आप, एक चोर नाचता हुआ नजर आ रहा है। संभवतः उसे अपनी फिटिंग का कोई कपड़ा या पसंद का कोई कपड़ा मिल गया। ये देखिए आप, एक के बाद एक कपड़े निकालते हुए चोर नजर आ रहे हैं। आगे बढ़ेंगे नीट विवाद पर, संसद में जवाब देंगे शिक्षा मंत्री। नीट पर संसद में सरकार जवाब देगी, शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जवाब देने वाले। सूत्रों के जरिए यह बड़ी खबर, अहम खबर है। नीट मामले पर, नीट विवाद पर संसद में शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जवाब देंगे, सूत्रों के हवाले से यह बड़ी खबर है। और इसके साथ ही इस बुलेटिन में बस इतना ही। खबरों के लिए आप बने रहिए न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के साथ।